हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 29 अप्रैल 2022। बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दिन SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आउट हो चुका है, और इस बार रिजल्ट में दोस्तों सबको चौंका के रख दिया। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही शानदार कंपनी का परफॉर्मेंस था। तो आज की डेट पर अगर हम बात करें, क्योंकि रिजल्ट आउट हुआ था मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, तो आप देख सकते हो शेयर के अंदर हमें करीबन आज 1.5% की गिरावट देखने को मिला। इवन मार्केट के अंदर भी एंड टाइम की आसपास हमें देखा अचानक से गिर गया था। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि कैसा आया है कंपनी का रिजल्ट। तो देखिए, SBI कार्ड क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 22 पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीज ओवर थ्री फोल्ड जंप, मतलब तीन गुना से भी ज़्यादा दोस्तों नेट प्रॉफिट कंपनी का आया है। एसेट्स क्वालिटी इंप्रूव सिग्निफिकेंटली, तो बेसिकली जो कंपनी का एसेट क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे नंबर वाइज कि कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट आया है। तो देखिए, कंपनी पोस्टेड आप पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 580 करोड़ रुपीज़, जो कि लगभग 580 करोड़ के ऊपर कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है, जो कि लास्ट ईयर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 3.3 times, मतलब तीन गुना से लेकर 3.5 गुना के आसपास आप देख सकते हो हमें जंप देखने को मिला था। जो कि लास्ट ईयर के अगर हम बात करें तो देखिए, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया था 175 करोड़ रुपए का, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के हो चुका है 580 करोड़। तो हम हर एक अगर हम बात करें हर एक सेगमेंट पे कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देख लीजिए। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ऑलमोस्ट 50% के ऊपर हमें जंप देखने को मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट के अंदर। ठीक वैसे ही दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू के अंदर भी हमें काफ़ी शानदार जंप देखने को मिला, जो कि 22.91% हमें जंप देखने को मिला लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो डेफिनेटली कंपनी का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में बहुत ही शानदार था, और इसका इंपैक्ट हमें मंडे के दिन जरूर देखने को मिलेगा। बट क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए SBI कार्ड के अंदर? देखिए, कंपनी बहुत शानदार है, बट इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स है उसके ऊपर क्रॉस करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करना। मेरे ख्याल से 900 रुपये का जो स्ट्रॉन्ग बैरियर है या रेजिस्टेंस है, ये लेवल जब ब्रेक करके शेयर ऊपर जाएगा तब वहाँ पे आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हमारे लिस्ट में टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की शेयर आज काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया था। इवन अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 450 रुपये का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, कहीं ना कहीं उस लेवल पे पहुंच गया था। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट हमने देखा लगभग 2 बजे के बाद से गिरना स्टार्ट हुआ, एंड 3 बजे के बाद से देखिए शार्पली डाउनफॉल हुआ। तो शेयर भी ऑलमोस्ट फ्लैट में आज की डेट में क्लोजिंग हुआ। भले ही आज सुबह से काफ़ी तेज़ी हुआ था, बट एंड होते होते ऑलमोस्ट फ्लैट में क्लोजिंग गया। आज की डेट में एक बहुत ही शानदार न्यूज़ आया है दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ से, और ये बहुत ही अब बोल सकते हैं इंडिया के अंदर ये एकमात्र कंपनी है जो पर्टिकुलर आज की डेट में पहले बार ये किया है। तो देखिए, टाटा मोटर्स हैज़ ग्लोबल एम्बिशंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा मोटर्स का प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है। तो टाटा मोटर्स ने दोस्तों एक बहुत ही शानदार कार को लॉन्च किया, जो कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे। इसका मतलब देखिए, और काफ़ी कूल इसका जो कि बनाया कंपनी ये कार को, आप देख सकते हो। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही कूल लगा ये कार देख सकते हो, कि मतलब अगर देखा जाए टाटा मोटर्स की प्रीवियस जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आया था, नेक्सन बोलिए, टिगोर बोलिए, सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहीं ना कहीं उसका जो कमर्शियल व्हीकल्स था उसके साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंजन फिट करके आया था। बट ये एकमात्र कार है जिसका कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पे ही कंपनी इसको बिल्डअप किया। और इसका जो डिजाइनिंग बोलिए बहुत ही कूल रखा है, आप देख सकते हो कितना शानदार, मतलब थोड़ा सा लग्जरियस फील भी होगा आपको। तो ये आज की डेट में लॉन्च हो चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है स्पेशली टाटा मोटर्स, और ये आगे भी होता जाएगा। टाटा मोटर्स तो बहुत पहले ये कमिट किया था अपने शेयर होल्डर के लिए, इवन पूरा इंडियन मार्केट के लिए, कि टाटा मोटर्स अगले 5 साल के भीतर बहुत सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वर्जन रिलीज़ करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे फायदा तो टाटा मोटर्स की शेयर होल्डर को डेफिनेटली मिलेगा। तो मार्केट कैप्चर अगर हम बात करें, टाटा मोटर्स को टक्कर देने वाला कंपनी बहुत ही गिने चुने हैं मार्केट के अंदर। तो टाटा मोटर्स के अंदर अगर हम बात करें, शेयर काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ अगर हम बात करें 420, ऊपर की तरफ 450 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, आज की डेट पे भी शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट में क्लोजिंग दिया। तो ऊपर की तरफ अगर आपको बाइंग लेवल, वो जब शेयर 450 के ऊपर जो रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तब यहाँ पे बाई कर सकते हो। बट हाँ, नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 425 रुपये के आसपास से आप बाई करना स्टार्ट करना। आपके पास अगर शेयर है तो आराम से यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे लिस्ट में नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे टाटा पावर। टाटा पावर कैसे पीछे हो सकता है दोस्तों आज के दिन पे? भले ही शेयर के अंदर करीबन 2 से 2.5% का में गिरावट देखने को मिला, और ये गिरावट देखिए आज सुबह से नहीं था, क्योंकि सुबह से मार्केट
काफ़ी ठीक ठाक चल रहा था, काफ़ी पॉजिटिव चल रहा था। उसके बाद देखिए अनफॉर्चुनेटली वही जो सेम टू सेम टाइम देखिए हर एक शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला आज के रेंज पे। तो टाटा पावर की शेयर भी ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास नीचे जाके क्लोजिंग दिया। अब टाटा मोटर्स भी आगे आ चुका है, या भी टाटा पावर्स की कैसे पीछे रह सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग स्टेशन को लेके, जो कि टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स के बीच में बहुत पहले ही हमने देखा था एक टाई अप हो भी चुका था। टाटा पावर साइंस MOU विथ नारकेडो, आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट रियल एस्टेट डिपार्टमेंट है नारकेडो टू सेट अप 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट इन मुंबई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा पावर को नारकेडो को तरफ से। यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा पावर लिमिटेड वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैज एंटर्ड इनटू अ मेमोरेंडम टू अंडरस्टैंडिंग विद यानी MOU विद द नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नारकेडो महाराष्ट्र टू इंस्टॉल अप टू 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट। तो बेसिकली बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है, बट हाँ कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ये यहाँ पे रिवील नहीं किया। वो आगे चलते दोस्तों जब डील पक्का हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम हमें पता चलेगा। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है, टाटा मोटर्स जैसे लगातार हमने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर लॉन्च कर रहा है, उसके साथ साथ टाटा पावर को भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों देखिए बहुत ही सेफ एंड स्टेबल कंपनी है, और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप हमेशा टाटा पावर के ऊपर क्यों वीडियो बनाते हो, बेसिकली न्यूज़ आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही। तो ये आज की डेट पे न्यूज़ है, और ये सारे ट्रेंडिंग शेयर है, तो हमेशा मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ ये सारे ट्रेंडिंग शेयर को, क्योंकि लोगों का डिमांड भी रहता है ये सारे शेयर के ऊपर। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे आप बाई कर सकते हो प्रेजेंट जो इसका प्राइस चल रहा है इसके ऊपर बेस करके, और आपके पास अगर शेयर है तो आराम से यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों हमारे इस पर नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बोनस शेयर से रिलेटेड। कुछ टाइम पहले ही एक बहुत शानदार कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए 4:1 रेशियो पे बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया था, जिसका एक्स डेट दोस्तों कंपनी हाल फिलहाल में डिक्लेयर कर चुका है 12 मई 2022 को, यानी मई के महीने पे 12 मई को। तो आप अगर दोस्तों ये बोनस पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 मई या तो उसके पहले आपको इस कंपनी का शेयर परचेज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको 4:1 रेशियो में बोनस शेयर मिलेगा। इसका मतलब आपके पास अगर कंपनी का एक शेयर है तो उसके साथ चार और बोनस मिलेगा, यानी एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास टोटल हो जाएगा 5 शेयर। चलिए अब कंपनी का नाम देख लेते हैं, पर उसके पहले दोस्तों वीडियो अगर अभी तक अच्छा लगा आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो कंपनी का नाम है विक्रम थर्मो इंडिया लिमिटेड, बहुत शानदार एक कॉमोडिटी केमिकल सेक्टर का कंपनी है। इवन आज की डेट पे ये एक न्यूज के चलते करीबन 3% के ऊपर शेयर के अंदर जम देखने को मिला। लास्ट एक महीने पे भी आप देख सकते हो शेयर बहुत शानदार रिटर्न दिया 43% का, इवन 6 महीने पे भी देखिए बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो कंपनी का रिटर्न्स का प्रोफाइल काफ़ी शानदार है, बट स्टिल ये एक स्मॉल कैप, बहुत ही छोटा कंपनी, स्मॉल कैप बोलना गलत होगा, माइक्रो कैप कंपनी है। तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें देखिए बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, साथ साथ इसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी सॉलिड है, मतलब छोटा कंपनी जरूर हो सकता है, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जरूर है। तो डेफिनेटली दोस्तों देखिए, और शेयर प्राइस भी उतना ज्यादा नहीं है, आपके पास ह्यूज टाइम है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप 4-5 शेयर भी उठा के रखते हो तो इन फ्यूचर के आपके लिए यहाँ पे फायदा ही देगा, और उतना ही इन्वेस्ट कीजिए ताकि कल अगर शेयर के अंदर गिरावट भी हो जाए तो आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान ना दे, राइट। तो दोस्तों हमारे इसमें लास्ट एंड फाइनल अपडेट है अदानी विल्मर। तो कुछ टाइम पहले ही जैसे कि मैं आपको बताया था अदानी विल्मर के अंदर ये शेयर इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ भाग रहा था कि इसके अंदर सेबी ने क्यों नज़र नहीं डाल रहा है, मतलब इसको ASM लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए था, जो कि लास्ट 2 दिन पहले भी मैं आपको अपडेट दे दिया था कि अदानी विल्मर को ASM लिस्ट में कर दिया गया है। बट अच्छी बात यह है कि अदानी विल्मर को स्टेज 1 पे रखा, तो इस सिचुएशन पे दोस्तों अदानी विल्मर थोड़ा नीचे आने का चांस है। अगर ऐसा नहीं हुआ इसको पकड़ के फिर स्टेज 1 से या तो स्टेज 3 करेगा बच जाएगा, या तो स्टेज 4 में चला जाएगा, तो यहाँ पे बी लिस्ट में आ जाएगा। बी लिस्ट में एक बार आ गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अदानी पावर बाहर निकलने से, मतलब लगभग आप खींच जाएगा 7-8 महीने तो आराम से खींच जाएगा। जिस वजह से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अदानी विल्मर से अभी थोड़ा सा दूर रखिए, पहले शेयर को ऑब्जर्व कीजिए। इवन आज की डेट पे भी हमने देखा शेयर देखिए सुबह से लोअर सर्किट लगा था, उसके बाद फिर ऊपर गया, मार्केट गिरने के साथ साथ लगभग 2% नीचे आके क्लोजिंग गया। ये एक बार में नहीं गिरेगा, धीमे 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 करके गिरेगा। आप अगर बहुत हाई लेवल में बाई किया, क्योंकि कुछ टाइम पहले शेयर 800 रुपये के ऊपर करीबन 878 पे पहुंच गया था, कहीं कहां पहुंच गया था आप देख सकते हो, उसी लेवल के आसपास अगर आपने बाई किया तो उस केस में आपको मैं बोलूँगा होल्ड कीजिए। कंपनी ख़राब नहीं है, बट फिलहाल अगर हम बात करें शेयर बहुत ज़्यादा चल चुका है, ASM लिस्ट में आ चुका है, जिस वजह से शेयर के अंदर एक मैसिव डाउनफॉल हो सकता है। तो मैसिव डाउनफॉल कहाँ तक हो सकता है वो पहले आप देखिए, जहाँ पे शेयर स्टेबल रहेगा
कंसोलिडेट करेगा उसी लेवल के आसपास आप धीमे धीमे करके बाई करना स्टार्ट कर देना, और उसके पहले मैं आपको अलर्ट भी कर दूंगा कि यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। तो फिलहाल वीडियो के यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लेटे क्या, बाय, जय हिंद।